हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे केक जो कि हम बनाएंगे बनाना से। अब घर में हम कई बार बनाना ले आते हैं बट उसे कोई खाता नहीं है और वो दो ही दिन में ख़राब हो जाते हैं और हम उसे फेंक देते हैं। बट आज हम उन्हीं ओवर राइप बनाना का केक बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो चलिए झटपट से देखते हैं बनाना केक। बट क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो लेट्स कुक स्क्रैम्शियस केक बनाते हैं फटाफट से, जल्दी से। तो केक बनाने के लिए, जैसे कि बनाना केक है तो हमें बनानास चाहिए। तो ये बहुत ही ओवर राइप बनानास हैं, आप देख सकते हो। करीब 3 बनानास थे मेरे पास, तो उसमें से कुछ बनाना का पार्ट ठीक नहीं था तो मैंने उसको काट के फेंक दिया है। बाकी सारे जो बनानास हैं मैंने उनको लिया है और अब मैंने उनको मैश किया है। और देखो कितने आसानी से ये फोक की हेल्प से ही सिंपल मैश हो गए हैं। तो हमने इनको बहुत अच्छे से मैश करा है बनानास को। अब एक लोगे आप बोल, उस बोल के अंदर हम डालेंगे एग्स। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए हैं। अगर आप एग्स नहीं खाते हो उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है फ्लैक्स सीड्स। आप क्या करोगे, फ्लैक्स सीड्स लोगे 2 चम्मच, उनको आप क्रश करोगे और फिर उसको भिगो दोगे 10 मिनट के लिए थोड़े से पानी में। तो दैट इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एग्स। और बहुत ही हेल्दी होते हैं फ्लैक्स सीड्स, जैसे कि एग्स हेल्दी होते हैं ऐसे ही। तो आप अगर एग्स नहीं खाते हो तो उसकी जगह फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बहुत अच्छे से हम एग्स को बीट कर लेंगे। उसके अंदर मैंने डाला है 1/4 कप ब्राउन शुगर, क्योंकि हम इसके अंदर बनाना डाल रहे हैं जो कि ओवर राइप्ड हैं, ऑलरेडी बहुत स्वीट हैं, तो इसलिए इस केक में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डलेगा। और मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड किया है। वाइट शुगर भी आप ऐड कर सकते हो बट आपको पता है कि मैं वाइट शुगर का यूज़ मिनिमम करती हूँ। तो अब हमने एग्स को और शुगर को अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बटर। करीब 2 बड़े चम्मच हमने बटर लिए हैं। आप ये देख सकते हो कि बटर मेल्टेड नहीं है। ये मेल्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर। जब हम ये जो हमारा बटर है इसके जो ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं ये रह जाएंगे और ये एंड तक रहेंगे, पर जब ये केक बेक होगा तो ये जब मेल्ट होंगे तो केक को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाएंगे और बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा हमारे बटर का। तो इस वजह से मैंने जो बटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं लिया है, इनफैक्ट फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के ही लिया है। अब हम ऐड करेंगे मैश्ड बनानास। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक और दालचीनी का पाउडर और वेनीला एसेंस। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है केक को फ्लफ़ी बनाने में, टेस्टी बनाने में। दालचीनी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बनानास के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और दालचीनी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है और 3/4 कप मैंने आटा लिया है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप धीरे धीरे करके अपने मटेरियल में डालोगे और इसका स्मूथ बैटर बनाओगे। तो अभी भी आप ये देख सकते हो जो लम्प्स हैं इसके अंदर वो बटर के ही हैं, और ये जो बटर है हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो इसका जो बटर है जब वो मेल्ट होगा तो बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा हमारे केक को और बहुत ही टेस्टी बनाएगा। और जो बटर है वो मैंने नॉर्मल बटर, सॉल्टेड बटर लिया है। अब थोड़ा सा हमारा जो बैटर है वो थिक हो गया था तो मैंने रूम टेम्परेचर का इसके अंदर मिल्क डाला है इसमें। तो अगर आप फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको हो सकता है जो मिल्क है वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी है। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। उसमें मैंने डाला है किशमिश,
चॉप्ड वॉलनट्स यानी कि अखरोट और कुछ चोको चिप्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर अच्छे लगते हैं नट्स तो आप डाल सकते हो, नहीं भी अच्छे लगते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसको ग्रीस ट्रे में लेंगे। मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया था और अब हम सारे मटेरियल को इसके अंदर और कर देंगे हमारे बेकिंग डिश में। बेक करने का सिंपल तरीका है, आपको मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। हम इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और हम इसको कुकर में या फिर कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया है चॉप्ड वॉलनट से यानी कि अखरोट से और कुछ चोको चिप से, ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे और जो इसका क्रंची फ्लेवर है वो हम जब एक एक पीस बाइट लें हम अपने केक का तो बहुत ही अच्छा लगे और बहुत ही सुंदर भी लगेगा। हम इसकी आइसिंग भी नहीं करेंगे, हमें नॉर्मली हमारा ये टी केक के तरह से हम इसको खा सकते हैं। तो बेकिंग का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। ओवन में आप इसको बेक कर सकते हो 50 से 55 मिनट्स के लिए और कढ़ाई या कुकर में आप इसको बेक कर सकते हो एक घंटा बिल्कुल स्लो आंच पे। चेक करने का सिंपल तरीका है, फोक को अंदर डालो, क्लीन निकलता है तो आपका बेक हो गया है और नहीं है तो आप उसको अनदर 5-10 मिनट्स रख सकते हो। तो अब आप ये देख सकते हो हमारा जो ये केक है बन चुका है और ये मैंने इसको थोड़ा सा वॉलनट से डेकोरेट कर दिया है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर आया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे ज़रूर जाइएगा लेट्स कुक स्क्रम्शियस। और अगर आप इसी तरह की रेसिपी बनाते हो तो ज़रूर टैग करिए मुझे लेट्स कुक स्क्रम्शियस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आई होप आपके घर में जब बनानास बचेंगे तो आप उनका ये वाला केक ज़रूर बनाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।